हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपको हमारे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो गाइस, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है अभी। तो गाइस, हम ना सिंपली से यहाँ पे पीक पर उतर चुके हैं। यहाँ पे ना चार बंदे उतर चुके हैं हमारे साथ, दो तीन चार बंदे उतर चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो गाइस, हम भी यहाँ पे उतरते हैं तो इनको मारना बहुत ही आसान होगा यहाँ पे, अगर हमें गन मिल जाती है यहाँ पे। तो सिंपली से हम यहाँ पे उतर चुके हैं, तो हमें सिंपली से यहाँ पे UMP मिल चुकी है यहाँ पे गाइस। तो विदाउट गन स्किन की चैलेंज यहाँ पे चल रहा है गाइस अभी। तो मैंने यहाँ पे UMP उठा लिए, तो देखते हैं गाइस कि कहाँ पे बंदे छुपे हुए हैं। तो पहले हमें उनको ढूंढना है। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा एक बंदा उतर चुका है, तो पहले इसे लेते हैं। तो किधर गया? अरे कैसे गन उठा ली मैंने गाइस, बिल्कुल ही बेकार वाली गन उठा ली, मेरे हाथ में आ गई। तो कोई नहीं गाइस, पहले तो हमने उसको मतलब गिरा दिया। अभी चल रहे पीक के बीच में लड़ाई, तो पहले यहाँ से भी एक आया था, पहले इसे लेते हैं फिर उनको देखते हैं गाइस। तो किधर जा रहा? एले तो ये भी गया गाइस। तो अभी चल रही थी पीक के अंदर लड़ाई, तो अभी हम जा रहे हैं उधर। उधर दिखा हमको एक बंदा, तो ये भी गया। अरे क्या सा गन है ये, चलो चलो आगे वेट करते हैं। चलो ये भी गया गाइस, अभी हो चुके हैं हमारे 3 किल। तो गाइस, यहाँ पे ना एक लड़की भी उतर चुकी थी, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर एक लड़की भी उतर चुकी थी हमारे साथ। लेकिन पहले हमें उसको ढूंढना है कि वो किधर गिर चुकी है। तो यहाँ से साउंड आ रहा था मेरे को, तो यहाँ पे ही होगी वो। तो यहाँ से वेट कर रही थी कब इनकी जंग जो है वो ख़त्म होगी, तब मैं एंट्री मारूँ। लेकिन फिर भी हमें वो मिल चुके हैं। तो गाइस भाग रही, मैं भी डर चुका था। तो कोई बात नहीं, इसको फिनिश करते हैं। तो फिनिश करने के बाद हम आगे जाकर इसके पास थोड़ा सा लूट कर लेते हैं। और हमें मिल चुका आगे और एक बंदा, जो कि सामने वाले घर के अंदर घुस चुका है। सो गाइस, हमें उसको मारना पड़ेगा। पहले हम यहाँ से चले जाते हैं, इस घर से अंदर से चले जाते हैं कि वो सामने वाले घर के अंदर है गाइस। तब तक के लिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो गाइस, वीडियो को फुली वॉच करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वाले। तो कहाँ पे वो? यहाँ पे है। तो मुझे साउंड भी आ रहा है, यहाँ पे दो भी बंदे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे दो बंदे होनी ही चाहिए। क्योंकि एक तो वो लड़की है जो कि वहाँ से भाग चुकी थी, और एक साउंड मुझे यहाँ से आया था, यानी कि वो वहाँ से भाग गया था, जो कि हमने अभी अभी देखा उसको। तो यानी कि दो बंदे यहाँ पर हो सकते हैं। तो पहले मुझे साउंड तो मिल चुका है, यानी कि यहाँ पर एक आ रहा है। तो ये रहा वो, पहले इसको कहते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे और भी एक हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी वार कर सकता है। हमें सावधानी से गेम को पूरा करने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी बंदे हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे मिल चुका है एक और, ये देखो यहाँ से साउंड आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं। तो यही से साउंड आ रहा है, यानी कि वो यही पर है। ये देखो यही पर है वो। तो हमें हेड शॉट के साथ इसको भी करना है फिनिश। तो जैसे ही आ गया तो हेड मारने की कोशिश करेंगे। तो ये रही वो, इसको हो गया हेड के साथ, टाटा बाय बाय। तो पहले इसके इस पास से थोड़ा AK-47 उठाते हैं हम, क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। तो हम यही उठाते हैं, डैमेज भी बहुत देता है विदाउट गन स्किन के, बगैर भी देता है। तो हम चलते हैं आपसे आगे, हम जाते हैं अभी पीक के अंदर, जो कि बीचों बीच जाएंगे, क्योंकि हमें जो भी बंदे मिलेंगे वहीं पर अब मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डैमेज यहीं पर देंगे, क्योंकि वहाँ तक तो पूरा डैमेज हमारा नहीं जा सकता। फिर भी हम यहाँ से कोशिश कर लेते हैं। AK-47 तो बहुत अच्छी गन है। तो ये रही, उसी के साथ हमने इसको भी किया फिनिश। तो मुझे लगता है पीक खाली हो चुका है यहाँ पे। तो कोई नहीं, हमें और भी बंदे यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी हमारे किल हो चुके हैं 7 मस्त से, और 30 बंदे अभी भी अलाइव है यहाँ पे। तो हमें पहले उनको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 बंदे अलाइव है अभी मेरे अलावा। तो 7 किल हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ से थोड़ा सा साउंड आ रहा है मेरे को, हाँ यहाँ से दो मिल चुके हैं यहाँ पर, दो बंदे यहाँ पर। तो पहला तो मेरे को मारने की कोशिश करें, इसको कहते हैं हेड शॉट के, टाटा बाय बाय। ये लो, वन टैप मारने की कोशिश में कोई कामयाब, और इसको AK-47 के साथ टाटा बाय बाय। और इसके पास थोड़ा सा लूट उठाते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छा ओपी वाला हेड शॉट पड़ा UMP से। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, हम वहाँ से
तो ये देखा हमने एक AK-47 के साथ देखिए थोड़ा सा डैमेज और ये हो गया इसी के साथ टाटा बाय बाय। और एक बंदा है तो वो नीचे से जा रहा है, ये इधर है वो, चलो इसको भी हुआ। अरे उधर से एक और आ रहा है तो इसको भी कर लेते फिनिश पहले, कहाँ भाग रहा है ये लो, तो इसको भी किया फिनिश। अभी भी बच चुके हैं 24 अलाइव है अभी, और हमारे किल हो चुके हैं 12 मस्त से। तो अभी कहाँ पे अगर हमारे पास अभी या AWM या कोई भी Kar-98 या कुछ भी गन मिल जाती तो बहुत ही मज़ा आ जाता। तो इसको भी मारते हैं हेडशॉट, लेकिन पड़ेगा नहीं, AK-47 के साथ डैमेज के साथ इसको करेंगे फिनिश। अब बंदा भाग चुका है तो किल कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे मिल चुका है तो एक गोली का था वो भी किया हमने टाटा बाय बाय, उसको भी फिनिश। थोड़ी सी लूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो उस AK-47 को अब हम देते हैं फेंक। तो अभी हम जाते हैं ड्रॉप के पास, अगर हमें वहाँ पे AWM मिल जाता तो बहुत ही मज़ा आ जाता वीडियो के अंदर। तो हमें मिल चुका है आगे बंदा, तो इसकी भी करेंगे काम तमाम। अगर हमने एड शॉट मारा तो लाइक ज़रूर कर लेना गाइस, शायद से मार पाऊँगा, लेकिन मार तो नहीं पाऊँगा शायद से। ओ गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो इस हेड शॉट के लिए। क्या ही हेड शॉट पड़ा गाइस, उप्पी वाला हेड शॉट पड़ा ये। तो अभी जाते हैं हम आगे, हो के बंदा है वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जाते हैं ड्रॉप के पास, वहाँ पे भी ड्रॉप के पास भी हमें बंदे मिल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सावधानी से आगे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी हमें बंदे मिल सकते हैं, तो गाइस हमें बंदे यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा वो क्या टाटा बाय बाय। और हम जाते हैं आगे ड्रॉप के पास, हम देखते हैं ड्रॉप में हमें AWM मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन नहीं मिला। हम उठाते हैं यहाँ पे क्रोजा, क्योंकि इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। क्रोजा से थोड़ा सा एमओ उठा लेते हैं और बढ़ जाते हैं हम आगे। तो इसके पास देखें थोड़ा सा लूट मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो हमें आगे वाले दो बंदे दिखे हैं हम आगे, तो पहले हम ऊपर वाले को करेंगे फिनिश, क्योंकि वो हमें हेडशॉट भी मार सकता है। इसको किया फिनिश, और ये नीचे वाला जो है हम जाते हैं पहले उसके पास, ये फिर हमें हमला करेगा, फिर हम इसको भी टाटा बाय बाय करेंगे। तो गाइस इसी के साथ उसने भी हमला किया था, हम उठाते हैं UMP और सीधे नहीं तो हम क्रोजा से इसको मारेंगे। चलो इसको भी हो गया टाटा बाय बाय, और इसके पास से थोड़ा सा लूट लेते हैं। तो किधर गिरा था ये रहा वो, हमें यहाँ से ग्लोबल मिल चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जो कि हमारे पास नहीं थे। तो हमने ग्लोबल भी उठा लिया, यहाँ पर थोड़ी सी एमओ भी लेते हैं, एक ग्लोबल छूट गई वो भी उठा लेते हैं। तो बढ़ जाते हैं यहाँ से आगे, तो अभी ना 16 बंदे यहाँ पे अलाइव है, तो इनको भी ढूंढ के मार लेंगे गाइस। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। तो किधर है, मुझे लगता है पीक यहाँ पे खाली हो चुका है, फिर भी जून आ रहा है तो आगे ही आएंगे। जब भी यहाँ पर कोई बंदा होगा तो वो अब निकलेगा बाहर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है। अच्छा से पीक खाली हमने पहले ही किया था, हमने तो यहाँ पे पीक को पहले ही खाली किया था, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता गाइस। तो सिंपली से हम आगे जाते हैं, तो हमें आगे बंदे मिल सकते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा बंदा मुझे थोड़ा सा दिख गया था, लेकिन पता नहीं किधर भाग गया वो। आगे हो सकता है वो, हमें थोड़ा सावधानी से जाना होगा, शायद हमारा वेट कर रहा है कहीं पर। तो फाइनली हमें वो आगे वाले दिख गया जो कि भाग रहे हैं वहाँ से, तो हम इसको भी करेंगे फिनिश। तो ये हो गया किल कंफर्म। अभी हम जाते हैं यहाँ से, कोई मिल जाए तो गाइस। अभी हो चुके 18 किल हमारे, और 14 बंदे और भी अलाइव हैं अभी। तो नीचे की साइड में हमें और एक बंदा दिखा, तो इसको भी हमें करना है यहीं से किल कंफर्म। तो यहाँ तक चलो ठीक है, मारेंगे इसको यहीं से। किधर गया, चलो ये भी किल हो गई कन्फर्म, क्योंकि क्रोजर का जो डैमेज है वो बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज देता है ये। तो अभी 13 बंदे अलाइव है और 19 किल हो चुके हैं हमारे अभी कन्फर्म। सो गाइस बहुत तगड़ा वाला खेल रहा हूँ आज मैं। तो यहाँ पे नीचे की साइड से हमें बंदे मिल सकते हैं, क्योंकि जोन अब छोटा हो रहा है, और हमें बंदे भी यहाँ पे मिल सकते हैं तगड़े वाले बंदे। तो किधर गया,
आगे की साइड मुझे एक बंदा दिखा, तो पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं किधर गया। वहाँ तक तो इसका डैमेज नहीं जा सकता, शायद से एम नहीं पकेगा। हमें थोड़ा आगे जाकर उसको थोड़ा सा नहीं पकड़ रहे हैं, तो अभी पकड़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डैमेज देते हैं। तो वो किल भी हो चुके कन्फर्म, अभी हो चुके हमारे 20 किल और 12 अभी भी अलाइव हैं। तो हमें दिखे आगे के साइड में एक और बंदा, वो भी हो गया फिनिश। तो अभी 11 बंदे बच चुके हैं, वहाँ पे कोई नहीं। शायद से मुझे लगा कि वहाँ पे बंदा हो सकता है लेकिन है नहीं। तो हमें आगे के साइड में 2 बंदे दिख रहे हैं, यहाँ से वो रहे आगे के साइड से 2 बंदे। तो हम जाते हैं जूम के साथ साथ वहीं पर, तो ये रहा बाहर निकल रहा है, डैमेज देते हैं लेकिन जून भी आ रहा है। तो हमें जून के साथ साथ चलना होगा, वरना अगर उसने एक गोली मार दी तो मैं तो टाटा बाय बाय हो जाऊंगा। वैसे भी गेम ख़त्म होनी ही वाली है, हमें थोड़ा सावधानी से खेलना पड़ेगा। तो ग्लोबल भी साथ हैं, तो कोई टेंशन की लेने की बात नहीं। वहाँ पर 2 बंदे अब मिल चुके हैं, तो एक ने उसको ठोका और मैंने 2 लाख। अरे किधर है तू? चलो ये भी गया। तो अभी हम मारते हैं एक मेडिकेट, क्योंकि डैमेज हमको भी पड़ा है यहाँ पे। तो अभी 9 बंदे हैं अलाइव, किधर है वो हमें ढूंढना आया होगा उनको। तो अभी हमें आगे के साइड में बंदे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा जोन अब हो चुका है, तो आगे के साइड में बंदे मिल सकते हैं। तो उसी के साथ हमें यहाँ पर मिल चुका है एक और बंदा, तो उसको भी करेंगे फिनिश और फिर चलते हैं आगे। इसके पीछे रह चुका है, अभी हमें रश करना पड़ेगा, वो भाग रहा है। तो हमें इसकी कॉन्फर्म करना है किल, वो भी हो गया हमारे किल कॉन्फर्म। तो अभी चलते हैं हम आगे, किधर गया वो? चलो इधर गिरा था। तो अभी जाते हैं हम वहाँ पे, थोड़ा सा ग्लोबल लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो कॉइन है ही। तो अभी हम लेते हैं थोड़ी सी ग्लोबल, क्योंकि हमें ग्लोबल की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। जब भी छोटा जोन हो, मतलब क्रिएट होता है, तो मतलब ग्लोबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे 2 बंदे हैं, तो एक तो यहाँ से भाग गए, हम तो उसको मार नहीं सकते। लेकिन यहाँ से हमें एक और दिखा, इसको हम मार सकते हैं यहाँ से। ये लो ये लो ये लो, ये भी हो गया कन्फर्म किल। और अभी बच चुके हैं 6 बंदे। तो गाइस यहाँ पे हमें AWM की एमओ मिल चुकी है, लेकिन AWM नहीं मिल चुकी है। तो यहाँ पे ग्लोबल भी नहीं मिल चुकी है, यानी कि ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी 6 ग्लोबल बच चुकी है। तो 5 बंदे अभी भी अलाइव हैं। आगे की साइड हो रही है जंग, हमें जाना उसके साइड पर, उनको मारना होगा। तो वह जल्द से चलते हैं वहाँ पे, तो उनको मार के हम गेम को बुरा कर लेंगे। यहाँ की साइड में हमें एक दिखा बंदा, तो इसको भी कर लेंगे टाटा बाय बाय फिनिश। किधर जा रहा है? तो ये भी गया ख़त्म। अभी बच चुके 3 बंदे हमारे अलावा, 3 बंदे हैं यहाँ पे। तो 25 किल हो चुके हैं हमें कन्फर्म यहाँ पे। अब हम क्रोजो को फेंक देते हैं, हम उठाते हैं, चलो ये वाला उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तगड़ा डैमेज भी देता है। ये भी बहुत ही अच्छा है, गन है, इससे भी बहुत अच्छी डैमेज पड़ सकती है। तो किधर गया? हमें इसको पहले ढूंढना होगा। तो पहले हमें यहाँ पे एक दिखा, हेड मारेंगे क्या? नहीं, चलो इसे ही मारते हैं। चलो ये भी गया ख़त्म, 2 गोली का था वो, डैमेज पड़ चुका था उसको पहले। तो यहाँ इस साइड में हमें मिल चुके 2 बंदे, पहले इसको कर दें कॉन्फर्म। और अब नीचे उतरते हैं हम ग्लोबल के साथ। अरे किधर गया तू? चलो यहाँ फेंक देखते हैं ग्लोबल किधर गए। इसको हम हेडशॉट मारेंगे गाइस, इसको हम हेडशॉट मारेंगे। चलो गाइस इसको हेडशॉट मारेंगे, लेकिन पहले तो आगे आने देते हैं इसको। चलो आ जाओ भाई, इसको हेडशॉट मारेगा। ये लो गाइस, इसके साथ हमने गेम को किया बुआ। सो गाइस बहुत तगड़े वाली बुआ हुई आज। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। सो गाइस जो कि बेल ऑल नोटिफिकेशन है, उसे ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि आपको हर एक आने वाले की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।